अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ में ईद से पहले फिलहाल बाजारों को कोई अतिरिक्त रियायत मिलने के कोई संकेत प्रशासन की तरफ से नहीं है। ईद के मौके पर जमकर खरीदारी होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इसे लेकर आम व्यापारियों के बीच कसमसाहट भी साफ देखी जा रही है। सवाल उठने लगे हैं कि ऐसे व्यापारी नेता किस काम के, जो अपना माल तो कई गुना इजाफा कर बेच रहे हैं और बाकी व्यापारियों की तरफ उनकी कोई सुध नहीं है। लॉकडाउन खुलेगा तो कालाबाजारी में लिप्त व्यापारी नेताओं का वह फायदा खत्म हो जाएगा जो इस अवधि में उन्होंने जमाखोरी व कालाबाजारी कर अतिरिक्त रूप से कमाया है। आज संयुक्त व्यापार संघ की जिला प्रशासन के साथ बैठक भी हुई। बैठक में संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने साफ कहा कि सर्वाधिक राजस्व व्यापारी दें, 4 घंटे दुकान खोले, आपूर्ति में सहयोग करें और पुलिस के डंडे खाकर फ्री में कोरोना साथ ले जाए। ऐसा अब नहीं चलेगा। डीएम ने इस बारे में पुलिस कप्तान से बात करने तथा ईद के बाद बाजारों में अतिरिक्त छूट देने की बात कही। मेरठ में लॉकडाउन तो 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना की कमर तोड़ने के लिए बेहद जरूरी हो सकता है, लेकिन पिछले 50 दिन में जिस तरह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही थी, उसे देखकर तो यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे में कोरोना रुक पाएगा। स्वास्थ्य विभाग के रोजाना जारी होने वाले आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। अब 2 दिन सुपर लॉकडाउन में बाकी 5 दिन लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है। गंभीर बात यह है कि 60 दिन हो गए, लेकिन सब्जी व फल मंडी अभी भी प्रशासन के गले की हड्डी बना हुआ है। जिला प्रशासन इसका कोई स्थायी हल अभी तक नहीं निकाल पाया है। उधर व्यापारियों के लगातार हो रहे चालान व लठियाने का क्रम भी जारी है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज मेरठ संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारियों की जिला प्रशासन के साथ मीटिंग हुई। संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने पुलिस द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न पर कहा कि अब यह नहीं चलने का। उनका यह भी कहना था कि पुलिस के कानून थाने दर थाने भी बदल रहे हैं। पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के CUG फोन भी अक्सर बंद रहते हैं। अपना काम देखने आया किसी हम कस्टमर टेन तो नहीं कर रहे ना सर। नहीं, पूछा था आपने किसी से? सर हम तो सिर्फ अपना लेजर देखने आया। पूछा था, मैंने मना तो नहीं किया। कस्टमर टेन तो हम कर ही नहीं रहे सर। मैंने कहा पूछा था आपने किसी से भी परमिशन? सर अपनी दुकान में सिर्फ बिल्कुल कुछ लेने नाम बताओ आपका क्या हाल है? रखे जा नाम बताओ इतना तो विश्वास करिए कि नहीं नाम बताओ आप मुझे नाम बताओ और कुछ विनय रखे जा इतना तो कोऑपरेट कर लीजिए सर। मेरठ के वरिष्ठ अधिवक्ता राम कुमार शर्मा ने आज शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट की एक वीडियो वायरल की है। ईद के मौके पर गुलजार रहने वाले सेंट्रल मार्केट में चारों तरफ वीरानी छाई हुई है। आइए देखते हैं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।